तो गाइस आ गया है सस्ती मस्ती, मतलब सस्ती मस्ती आपको 10,000 11,000 के अंदर कमाल कमाल का फोन अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही एक फोन है Redmi Note 7S जो कि है 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन। तो इसी मोबाइल को अनबॉक्स करके आज देखेंगे इसके अंदर कैसा मोबाइल निकल के आता है और क्या क्या है उसके अंदर, उसके अलावा और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में इसी नए मोबाइल के बारे में। और कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देखेंगे, एक्चुअली 48 मेगापिक्सल है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है Redmi Note 7S 48 मेगापिक्सल AI कैमरा ऊपर में लिखा हुआ। बैक साइड में देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने में मिल जाता है। इसके अलावा ये जो कलर है वो है रूबी रेड, 3GB वर्सन है 32GB वेरिएंट के साथ। तो चलिए पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकल के आता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी बॉक्स ओपन हो गया, ऊपर में आपका एक पैकेट मिल जाता है। उसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट सा बैक कवर जो कि आप मोबाइल को में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है, हालाँकि बहुत पतला होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। और इसके अलावा मिलता है ये मोबाइल को चलिए रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर नीचे क्या क्या मिलता है हमें। अंदर की सामान के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक रेगुलर सा चार्जर, हालांकि ये जो फ़ोन है ये क्वालकॉम क्विक चार्जर 4 को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा आपको मिलता है एक USB टाइप सी का डेटा केबल। तो मोबाइल के ऊपर जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है जो कि मोबाइल का जो बॉक्स था वो उसके पीछे साइड में था। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ की, इसके अलावा उसके ठीक ऊपर आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन की। ऊपर की तरफ बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलता है IR ब्लास्टर, उसके बाद हमारा सबसे चाहिदा 3.5mm एक ऑडियो जैक और उसके बाद आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड पे सिर्फ देखने को मिलता है सिम ट्रे। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर 2 स्लॉट है तो इसके जगह पे आप एक नैनो सिम लगा सकते हैं और उसके साथ एक मेमोरी कार्ड या फिर आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं। आपको मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट, इसके अलावा आपको एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन के ऊपर जितना भी कागज़ वागज था मैंने सबका श्रद्धांजलि दे दिया है। अभी फ़ोन आप देख सकते हैं एकदम चमकीला लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लग रहा है। तो अभी चलिए फ़ोन को ओपन करते हैं, वन बाय वन सभी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा और PUBG खेल के भी दिखाऊंगा PUBG कैसा चलता है इसके अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए और अगर अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। दोस्तों आपको पता है कि MI के फ़ोन में बहुत ज़्यादा ऐड आता है, तो ऐड को बंद करने के लिए मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब भी आप पहला से बूट करेंगे फ़ोन को तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आता है, जिस सेटिंग्स में से आप सभी से ऊपर के सेटिंग्स को छोड़ के बाकी जो सारा सेटिंग्स है इसको आप ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब ऑन रखेंगे तो आपके मोबाइल पर बहुत ज़्यादा ऐड आने के चांसेस है। अगर इस सब को बंद कर देंगे तो ऐड थोड़ा सा कम आए। फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाता है MI रिमोट का सपोर्ट। MI रिमोट काफ़ी कमाल का एक फीचर्स है MI के फ़ोन में जो कि आपको किसी भी दूसरा कंपनी के फोन में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे जो हल्का सा बेजल है इसके अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाता है। ये 48 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा है। आप अगर कवर के अंदर भी रखेंगे तो भी यहाँ पे जो कैमरा है वो उसका कैमरा जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया, ये फोन है ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके डिजाइन, डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी की। अगर इसका डिजाइन के बारे में बात करूं तो मतलब फोन जो है ना वो काफी कमाल का फोन है। अगर आप हाथ में लेंगे तो आपको एक प्रीमियम सा फील आएगा, आप देख सकते हैं। और ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर देख के एकदम मस्त सा लगे। पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के, डिस्प्ले आप देख सकते हैं एकदम पूरा फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। तो इसमें आपको सिर्फ जो है ऊपर में छोटा सा एक नॉच देखने को मिल जाता है। 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। इस फोन का अगर लुक्स के बारे में बात करूं तो लुक्स के बारे में मैं क्या बात करूं, मतलब ये कमाल का फोन है। इस प्राइस रेंज के अंदर इस तरह का देखने में आपको कोई भी फोन नहीं मिलेगा, ये सबसे अच्छा फोन है लुक्स वाइज में। आप अगर इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं, बैटरी जो है इसका 4000mAh का बैटरी है। तो जो भी मोबाइल है जिसका भी बैटरी 3500mAh से ज्यादा है तो उसी का बैटरी आपका अच्छा होता है और आप एक दिन नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं, एक दिन से ज्यादा भी चल जाता है अगर उतना आप हैवी यूजर नहीं है तो। अगर आप 4 घंटा दिन में फोन यूज करते हैं तो आप 2 दिन करीबन यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। कैमरा जो है, कैमरा का कुछ आपको मैं सैंपल शॉट दिखा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा इसका कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है। अमली ये जो फोटो खींचता है वो 12 मेगापिक्सल का खींचता है। जो 48 मेगापिक्सल का फोटो है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई फोटो लेते हैं तो वो एक सिंपल सा फोटो आएगा, उसमें आप
कोई भी मतलब पोर्ट्रेट मोड या फिर आप मान लीजिए अलग से कुछ ऑप्शंस उसमें ट्राई नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ फोटो खींचना होगा, बाद में आप उसको चाहे तो जूम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जूम होता है उसका क्वालिटी भी मैं दिखाता हूँ। चलिए कुछ फोटो सैंपल्स आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इसका कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है। ये फोटो आपका 48 मेगापिक्सल का है और ये फोटो 12 मेगापिक्सल का है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, आप अगर कोई भी फोटो देखेंगे 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल का, इसमें थोड़ा सा कलर सैचुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर ये फोटो के बारे में मैं बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल में आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जूम करने के बाद भी। और ये कुछ इंडोर लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटोज़ लिया गया था बैक कैमरा से और ये सेल्फी कैमरा का फोटो है। रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों का ही कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे 1080p में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 60fps भी सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर में आपको 660 प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का और इसका जो परफॉर्मेंस है वो कमाल का परफॉर्मेंस है, कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही इजिली काम करता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अभी गेमिंग टाइम है, गेमिंग टाइम आने से ही मजा लग जाता है क्योंकि हम लोगों को खेलने के लिए मिलेगा पबजी। तो चलिए पबजी खेलते हैं, देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है, 660 प्रोसेसर कैसा काम करता है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो वर्जन है वो 3GB रैम वेरियंट है, तो 3GB रैम वेरियंट के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस मिलता है वो देखेंगे। हालांकि मैं उतना अच्छा पबजी प्लेयर नहीं हूं, फिर भी देखते हैं कितने जन को मार सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पबजी जो है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो ये चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो सेटिंग्स है सेटिंग्स को हम लोग फुल कर देते हैं। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में ये HDR और मीडियम सेटिंग्स पे रहता है, अल्ट्रा HDR और HDR सपोर्ट नहीं करता है। आप HDR में हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं, तो यहाँ पे HDR में हाई सेटिंग्स में कर देता हूँ और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ पे हाई सेटिंग्स मैंने कर दिया है, चलिए गेम खेलते हैं, अभी देखते हैं कैसे चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भाग रहा हूँ, कोई फ्रेम ड्रॉप तो देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी है। और अगर गेम मैं कंटिन्यू खेल रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रहा है जब भी मैं गेम खेल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे एक जन को मैंने मार भी दिया। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जितना भी पबजी खेलना चाहे खेल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है 660 प्रोसेसर का। चलिए अभी बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की। अगर फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के विषय में बात करूँ तो काफी रिस्पॉन्सिव सा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो जैसे ही मैंने टच किया ये तुरंत सा ओपन हो गया, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं फेस अनलॉक कैसा होता है, दूसरे के फोटो से खुल जाता है कि नहीं वो तो नहीं टेस्ट किए हैं, लेकिन खुद के मुंह से खुलेगा कि नहीं वो देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने देखा ओपन हो गया, तो काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिला मुझे, काफी अच्छे से खुल जाता है। तो फेस अनलॉक कमाल का होता है, हालांकि फेस अनलॉक मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूं, आप चाहे तो उसको बंद करके रख सकते हैं क्योंकि आप सो रहे हैं तब भी कोई फोटो खींच लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि ये फोन है ये रेड कलर का है आप देख सकते हैं, लेकिन इसका कलर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये रेड कलर ही रहेगा। लेकिन एक चीज होता है जिसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा रेड कलर का, और आप उसको अगर दबा देंगे तो वो चेंज होके ग्रे हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए और उसको दबा के आप देखिए ग्रे होता कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ इस फोन का दिक्कत क्या है। तो चलिए दिक्कत के बारे में बात करते हैं। तो अगर इस फोन के दिक्कत के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा दिक्कत है इस फोन का जो कैमरा, इसका जो मेन USP है वो कैमरा ही है और सबसे बड़ा दिक्कत भी कैमरा है। कैमरा दिक्कत मतलब कैमरा का जो एप्लीकेशन है वो दिक्कत है। अगर इसमें कोई फोटो खींचते हैं तो क्या होता है कि आपका फोटो प्रोसेसिंग होने में ज्यादा टाइम लगता है कुछ कुछ वक्त, मतलब अगर आप कुछ 10-12 फोटो खींच लिए तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसा कि मुझे देखने को मिला। और भी एक फोन के साथ मैंने टेस्ट किया तो उसका भी सेम प्रॉब्लम है, अगर कुछ फोटो खींच लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कैमरा ऐप जो है वो बहुत लैगी हो जाता है और उसमें आप जब भी फोटो खींचते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये जो फोटो है ना ये बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि अगर आप फोटो खींचते हैं तो टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो आशा करता हूँ ये जो इतना बड़ा दिक्कत है इस फोन का तो वो जल्दी से जल्दी Redmi सॉल्व कर लेगा अगले अपडेट के जरिए।
तो इसका जो और भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायरेक्टली 48 मेगापिक्सल तो बोलना जाता है, लेकिन 48 मेगापिक्सल तो डायरेक्टली है नहीं। आपको इसके लिए, आप जब भी कोई फोटो खींचेंगे तो आपको पहले यहाँ पे जाके 48 मेगापिक्सल कैमरा जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये 48 मेगापिक्सल कैमरे में फोटो खींचता नहीं है। तो इसके बाद और एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये जो वर्सन है ये 3 GB रैम वेरियंट है, 3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल है। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे कि कितना जीबी आपको फ्री मिलता है, अवेलेबल मेमोरी है 18 GB, तो 18 GB है जो है वो काफी कम है। अगर आप डुअल सिम यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 18 GB कुछ दिन बाद फुल हो जाएगा। और अगर आप सिंगल सिम यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग से आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो है, अगर इसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के जगह पे एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड दिया जाता तो वो काफी कमाल का होता। तो अगर एक फाइनल रिव्यू दिया जाए इस फोन का, मैं बताऊंगा ये जो फोन है ये काफी कमाल का फोन है, 11,000 प्राइस रेंज के अंदर आने वाला। आप जरूर इसको बाय कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक बिग थम्स अप है, क्योंकि ये 11,000 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ आपको बहुत सारा जो बाकी फीचर्स है वो भी आपको इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे टॉप क्लास मिल रहा है। जैसे कि 660 प्रोसेसर हो गया, 4000 mAh का बैटरी, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल कैमरा, तो जितना भी फीचर्स है इस फोन का वो कमाल का है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से एकदम एग्जैक्टली जो वैल्यू फॉर मनी फोन है वही है इस फोन का। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।